तो जी न्यूज पर सबसे पहले इलेक्शन ब्रेकिंग के साथ हर अपडेट आपको हम बता रहे हैं। और अब विस्तार से एक बार फिर से आपको बता दें, जो दर्शक अभी जुड़े हैं जिन्हें ये मालूम नहीं है कौन कौन उम्मीदवार हैं बिहार में एनडीए के, बिहार में एनडीए के उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो चुका है। बिहार की 40 में से 39 सीटों के लिए एनडीए उम्मीदवारों का ऐलान हो गया है। आपको बता दें खगड़िया सीट से फिलहाल उम्मीदवार का नाम घोषित नहीं हुआ है, एलजेपी के खाते में ये सीट गई है, अभी 2 से 3 दिन लग सकते हैं, ये बात स्पष्ट कर दी गई। बिहार की 17 सीटों पर बीजेपी और जेडीयू के उम्मीदवार घोषित किए गए। एलजेपी की 6 सीटें हैं जिन पे उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हुआ, एक का अभी नहीं हुआ है जो एलजेपी के खाते में, आपको हम बता रहे थे कुछ दिन बाद उस पर जो तस्वीर है वो साफ हो जाएगी। भागलपुर सीट से शाहनवाज हुसैन का टिकट कटा है, पटना साहिब सीट से सांसद शत्रुघ्न सिन्हा का टिकट कटा है, ये खबर आपको हम बता रहे हैं। गिरिराज सिंह की सीट बदल दी गई है, नवादा से वो हमेशा सांसद रहे, उनका कब्जा रहा, लेकिन अब उनकी सीट को भी बदल दिया गया है, ये एक बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। और आपको ये भी बता दें कि पल पल की अपडेट इलेक्शन से जुड़ी हुई हर एक ब्रेकिंग आप जी न्यूज पर सबसे पहले देखेंगे, क्योंकि लगातार हर खबर को हम इसलिए पहले दिखा रहे हैं क्योंकि उसकी पड़ताल पहले हमने की है और सटीक खबर हर एक अपडेट के साथ आपके सामने है। ये इलेक्शन ब्रेकिंग इस वक्त की आपको हम बता रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि भागलपुर सीट से शहनवाज हुसैन का टिकट कटा है, पटना साहिब से शत्रुघ्न सिन्हा का टिकट कट चुका है, यहां से रविशंकर प्रसाद को चुनावी मैदान में उतारा गया है। सारण से बीजेपी उम्मीदवार राजीव प्रताप रूड़ी ने बिहार में सभी सीटों पर जीत की उम्मीद भी जताई है। पहले तो मैं देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करना चाहूं, साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह जी का और तमाम हमारे प्रदेश के नेता, और विशेष तौर से इस बड़े गठबंधन में बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, जिस एकजुटता के साथ एक मंच से ऐलान किया गया है, यही एक बड़े समझौता का को इंगित करता है और यह दर्शाता है कि जिस साझेदारी के साथ बिहार में हम चल रहे हैं, आज 40 की 40 सीटों पर जीतने से कोई ताकत एनडीए का नहीं रोक सकता है। चलिए विशाल पांडे का रुख कर लेते हैं, मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं। आपको ये भी बता दें विशाल ने पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस से लगभग आधा घंटा पहले नामों पर जो मोहर लगाई थी, यानी कि जी न्यूज ने जो लिस्ट बताई थी उन्हीं पर मोहर लगी है जी न्यूज की लिस्ट पर। विशाल आप एक बार अपडेट के लिए दोबारा से ये बताइए कि वो कौन से नेता है जिनका टिकट कटा है। देखिए अगर टिकट कटने में आप देखिए तो शत्रुघ्न सिन्हा जो कि लगातार बीजेपी के खिलाफ बोला करते थे, बीजेपी आलाकमान के खिलाफ बोला करते थे, उनका पटना साहिब से टिकट कटना तय माना जा रहा था और वो हो सकता है कि महागठबंधन के उम्मीदवार पटना साहिब से हो, उनकी जगह रविशंकर प्रसाद जो कि केंद्रीय मंत्री हैं उनको टिकट दिया गया है। इसके अलावा अगर आप देखिए भागलपुर से बहुत दिनों से तैयारी कर रहे थे शहनवाज हुसैन, जो कि पिछले 5 सालों से लगातार कोशिश में थे कि उनको टिकट मिलेगा, लेकिन उनकी सीट जेडीयू के कोटे में चली गई जिसकी वजह से उन्हें टिकट नहीं मिल पाया, वहां से अजय कुमार मंडल को जेडीयू ने अपना प्रत्याशी बनाया है। अगर आप सीट बदलने की बात करेंगे पयोधी तो बेगूसराय गिरिराज सिंह को भेजा गया जो कि नवादा सीट से फिलहाल सांसद हैं, उनकी इच्छा के विपरीत उनको बेगूसराय भेजा गया है, वो सिर्फ इसलिए ताकि जो गठबंधन धर्म एनडीए का बिहार में है उसको बीजेपी निभा सके, क्योंकि लगातार एलजेपी ने भी बीच बीच में अपनी आंखें तरेरी थी। आपको याद होगा लगातार रामविलास पासवान जब संसद का सत्र चल रहा था तो इस बात को कह रहे थे, कई मुद्दों को उठाकर बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रहे थे, ज्यादा सीटें मांग रहे थे, जिसके बाद लगातार कई दौर की मीटिंग हुई थी, फिर जाकर एनडीए का जो कुनबा था बिहार में वो सुरक्षित रह पाया, हालांकि कुशवाहा फिर भी बाहर चले गए थे। तो इसलिए बीजेपी इस बार कोई चूक नहीं करना चाह रही थी क्योंकि बिहार में ऑलरेडी कांग्रेस आरजेडी और कुशवाहा और जो जीतन राम मांझी की पार्टी है उनका गठबंधन है, तो ऐसी स्थिति में बीजेपी अपने सहयोगी दलों को अपने साथ रखना चाहती थी, इसीलिए कई सीटों पर बीजेपी ने अपनी कुर्बानी भी कबूल की और अपने कई वरिष्ठ नेताओं की सीट अदला बदली भी की, और इसके अलावा शहनवाज हुसैन जैसे नेताओं का टिकट भी काटा। इसके अलावा अगर हम दरभंगा सीट की बात करें, कीर्ति आजाद बीजेपी के सांसद हुआ करते थे, अब वो कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं, इसलिए वहां से गोपाल ठाकुर को बीजेपी ने टिकट दिया है। तो इस हिसाब से अगर मैं पूरी लिस्ट पढ़ूं एक बार पयोधी ध्यान से देखूं तो इसमें जातीय समीकरण का भी विशेष ख्याल रखा गया है और गठबंधन धर्म को बखूबी बिहार में निभाया गया है। विशाल इसी जातीय समीकरण पर ही आपसे आगे हम बात करेंगे क्योंकि बार बार हम बता रहे हैं दर्शकों को, लगातार जो विशाल हैं उन्होंने नजदीक से कवर किया है बिहार की राजनीति को भी, तो इलेक्शन में वो अपडेट देते रहेंगे। आपको ये सुनाते हैं जेडीयू नेता केसी त्यागी का क्या कहना है। उन्होंने कहा कि हमने सबसे पहले सीटों का चयन किया और सबसे पहले उम्मीदवारों की घोषणा की, जीत हमारी तय है। आप सुनिए पहले। एनडीए ने अपने गठबंधन की घोषणा की कि हम 17 और 6 पर चुनाव लड़ेंगे,
सबसे पहले जेडीयू ने सीटों का आइडेंटिफिकेशन किया और आज उन उम्मीदवारों की घोषणा हो गई जो क्रमशः अमुक अमुक सीट से चुनाव लड़ेंगे। हमारी वहां पर बढ़त है। ये पहला राज्य होगा एनडीए के लिए जहां सबसे ज्यादा सीटें एनडीए की झोली में जाएंगी प्रतिशत के हिसाब से। और अगर वोटों का अंकगणित अगर आप लगाते हैं तो इस समय 38 सीटों पर हमारी बढ़त है अगर एलजेपी जेडीयू और बीजेपी के मतदाताओं की संख्या जोड़ी जाए। महागठबंधन ने भी कल घोषणा कर दी अपने तमाम सीटों की और वो बहुत कॉन्फिडेंट कह रहे हैं कि हम लोग जीतेंगे और हमारी जिस तरीके से उम्मीदवारी आएगी सब बारी बारी हम तमाम रणनीति के साथ। इसमें से चार दल तो जनता दल यू से निकले हुए हैं जो ईर्ष्या और विद्वेष की राजनीति के चलते हुए श्री नीतीश कुमार जी के आभा मंडल से अलग हुए और उनको राजनीतिक दल की संख्या देना मैं ठीक नहीं मानता हूँ। चलिए आपको अमित शाह के प्रेस कॉन्फ्रेंस में लिए चलते हैं। बनने वाले हैं ऐसे किशोर और युवाओं में भी आज राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा बड़ा अहम बना हुआ है। उसी वक्त कांग्रेस पार्टी के विदेश विभाग के कोऑर्डिनेटर और उनके चुनाव घोषणा पत्र कमेटी के सदस्य श्री सैम पित्रोड़ा जी का जो कल बयान आया वो काफी चिंताओं को जन्म देने वाला है। उन्होंने प्रमुख रूप से बयान में चार बातें बताई हैं। एक, ये जो पुलवामा पर निंदनीय हमला हुआ और हमारे 40 सुरक्षा बल के जवान शहीद हो गए उसको एक रूटीन घटना बताया। दूसरा, कुछ लोगों की हरकतों से पूरे देश को दोषी नहीं मानना चाहिए इस प्रकार का भी बयान दिया। तीसरा, 26/11 के रेफरेंस में कहा कि आतंकी हमलों का जवाब एयर स्ट्राइक या सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हो सकता, बातचीत हो सकता है। और मैं आज कांग्रेस पार्टी को कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष श्री ने इस बात को देश की जनता के सामने स्पष्ट करना चाहिए कि आप इस प्रकार के जघन्य हमले को जो देश की जनता को झिंझोड़ कर रख देते हैं उसको आप सामान्य घटना मानते हैं, रूटीन घटना मानते हैं। दो, कुछ लोगों की हरकतों से, 7-8 लोगों की हरकतों से किसी देश को दोषी नहीं मानने चाहिए। क्या कांग्रेस पार्टी मानती है कि जो आतंकवादी घटनाएं देश में होती है इसका पाकिस्तान सरकार, पाकिस्तान की सेना से कोई रिश्ता है या नहीं है? इसकी स्पष्टता करनी चाहिए। अगर रिश्ता है तो फिर दोषी कौन है? इसका जवाब कांग्रेस पार्टी ने देना चाहिए। और तीसरा, आतंकवादी हमले का जवाब सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक से नहीं देना चाहिए, बातचीत से इसका समाधान ढूंढना चाहिए। क्या ये कांग्रेस पार्टी की आतंकवाद को डील करने की नीति अधिकृत है क्या? कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष ने तीनों मामलों पर देश की जनता को जवाब देना चाहिए। जब देश पर इस प्रकार के आतंकी हमले होते हैं देश के सुरक्षा बल और सेना के जवान हताहत होते हैं, देश के नागरिक हताहत होते हैं और कांग्रेस पार्टी और उनके इतने प्रमुख पदाधिकारी बातचीत का रास्ता सुझाते हैं, इससे कांग्रेस पार्टी सहमत है क्या? आपने यूपीए के शासन में 26/11 से लेकर कई बम धमाके, सीरियल बम ब्लास्ट देश भर में हुए और आपकी पॉलिसी के तहत आपने बातचीत का रास्ता अखत्यार किया।
क्या परिणाम निकला, इसका भी जवाब कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष ने देश की जनता को देना चाहिए। उन्होंने स्वयं स्पष्टता करनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी हर बार चुनाव नजदीक आती है तो तुष्टीकरण की राजनीति करती है, एपीसमेंट की पॉलिटिक्स करती है, वोट बैंक की पॉलिटिक्स करती है, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है, ये उनकी परंपरा है। कई सालों से, 3 दशकों से कांग्रेस ने एपीसमेंट का बीज इस देश के अंदर बोया है, हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है, देश की जनता इसको जानती है। परंतु वोट बैंक की राजनीति क्या देश हित से ऊपर हो सकती है? वोट बैंक की राजनीति शहीदों के खून के ऊपर हो सकती है? वोट बैंक की राजनीति क्या शहीद परिवारों के दुख के ऊपर हो सकती है? इसका भी जवाब कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष ने देना चाहिए। कांग्रेस पार्टी के इस बयान से देश के जवानों की शहीदगी का अपमान हुआ है, देश की सुरक्षा पर एक सवालिया निशान खड़ा किया है, और जो देश को हताहत करने में लगे हैं उनका मनोबल बढ़ा है। ये तीनों बातों का जवाब कांग्रेस पार्टी ने देना चाहिए। 7 मार्च को स्वयं कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि एयर स्ट्राइक पर जो सवाल उठे हैं उसके जवाब मिलने चाहिए। किसके सवालों का जवाब चाहते हैं आप? कौन सवाल उठा रहा है? एयरफोर्स पर सवाल उठाने का काम कौन कर रहा है? आप अपरोक्ष रूप से किसका समर्थन करते हैं? भारतीय एयरफोर्स, भारत की एयरफोर्स पर संदेह करना ये किसी भी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए, मैं मानता हूं, उचित नहीं है। इसका भी जवाब उन्होंने देना चाहिए। जब 6 अक्टूबर 2016 को शायद यूपी में कांग्रेस अध्यक्ष ने एक बयान दिया था कि आप खून की दलाली करते हो, उस वक्त सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी। सर्जिकल स्ट्राइक के वक्त उसको आप खून की दलाली का टैग लगाने का प्रयास करते हो, एयर स्ट्राइक के वक्त उस पर शंका उत्पन्न करते हो, किसको खुश करना चाहते हैं आप? वोट बैंक की राजनीति को इतने आगे ले जाने का प्रयास मत करिए, पूरा देश आपको देख रहा है। जेएनयू में जब भारत विरोधी नारे लगते हैं, आप इसको अभिव्यक्ति की आजादी कहते हैं और इनके समर्थन में वहां जाकर खड़े होते हैं, ये भी एक वोट बैंक की राजनीति का तुष्टीकरण का एक घिनौना उदाहरण है। इसके बाद में कल हमेशा की तरह कांग्रेस ने इस बयान से किनारा कर लिया। मैं एक सलाह देना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी को, आपके किनारे को देश की जनता ठीक तरह से समझती है, इसीलिए आपको किनारे कर दिया है। कोई भी बयान देना, तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स करना आपकी रणनीति का हिस्सा है। कभी बीके हरिप्रसाद को व्यक्तिगत बयान बता देते हैं, कभी दिग्विजय सिंह के बयान को व्यक्तिगत बयान बता देते हैं, कभी पी चिदंबरम के बयान को व्यक्तिगत बयान बता देते हैं, कभी कपिल सिब्बल के बयान को व्यक्तिगत बयान बता देते हैं, कभी नवजोत सिंह सिद्धू के बयान को व्यक्तिगत बयान बता देते हैं, मणिशंकर अय्यर को एक्सपेल कर वापिस ले लेते हो, संदीप दीक्षित जब सेना के सेनाध्यक्ष गुंडे जैसे हैं कहते हैं उनको व्यक्तिगत बयान बता देते हो, मगर इन लोगों को कुछ नहीं होता, वो कांग्रेस अध्यक्ष के इर्द गिर्द घूमते हैं। एक कांग्रेस अध्यक्ष श्री राहुल गांधी की रणनीति का हिस्सा है वोट बैंक की ओछी राजनीति, तुष्टीकरण की राजनीति। इर्द गिर्द से लोगों से कराते रहो, बयान से किनारा करते रहो, देश हित के ऊपर वोट प्राप्त करने की राजनीति करते रहो। मैं मानता हूं कि देश की जनता इसको अब समझ चुकी है और कांग्रेस अध्यक्ष ने स्वयं इस बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए, देश के जवानों की माफी मांगनी चाहिए, देश के सुरक्षा बल और सेना की माफी मांगनी चाहिए और देश की जनता की भी माफी मांगनी चाहिए। इतने सालों तक, 10 साल तक यूपीए की सरकार रही, सोनिया मनमोहन की सरकार रही, आपने टेररिज्म पर कोई कठोर कार्यवाही नहीं की, ना आप में हिम्मत थी
न कौवत था, न अंतर्राष्ट्रीय समुदायों में आपने पाकिस्तान को अलग दलग करने का कोई कूटनीतिक प्रयास भी किया, न सफलता मिली। भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार बनने के बाद देश के प्रधानमंत्री ने टेररिज्म के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाया है। एवरेज निकाल दिया जाए तो सबसे ज्यादा आतंकवादियों को दंड देने का आंकड़ा अगर किसी एक सरकार ने बनाया है तो वो भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी की सरकार ने बनाया है। हमने टेररिज्म के मामले में, आतंकवाद के मामले में जीरो टॉलरेंस की नीति को अख्तियार किया है और हम डटकर आतंकवाद के खिलाफ खड़े हुए हैं। और आज मोदी सरकार की कूटनीति की सफलता का ही ये परिणाम है, जब अपने जवान सफल एयर स्ट्राइक कर वापिस आए, पाकिस्तान ने पूरी दुनिया में कोहराम मचाना शुरू किया, पूरी दुनिया एक साथ भारत के साथ खड़ी थी, एक मुस्त होकर भारत के साथ खड़ी थी, पाकिस्तान दुनिया में अकेला अलग धलग पड़ गया था। यही बताता है कि आतंकवाद को मैदान में जवाब देने के मामले में और कूटनीतिक तरीके से पाकिस्तान प्रेरित आतंकवाद को एक्सपोज करने में भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार सफल हुई है, देश के प्रधानमंत्री सफल हुए हैं और पूरी दुनिया को समझाने में हम सफल हुए हैं कि टेररिज्म कोई इक्की दुक्की घटनाएं नहीं है, ये ऑर्केस्ट्रेट टेररिज्म है और पाक प्रेरित आतंकवाद है। कश्मीर के अंदर चाहे आतंकवाद हो चाहे अलगाववाद हो, उसको समाप्त करने के लिए एक के बाद एक के बाद एक वैज्ञानिक तरीके से बहुत कदम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उठाए हैं। जमायत इस्लामी पर प्रतिबंध रखना हो, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट पर प्रतिबंध करना हो और ढेर सारे एक्शन कठोरता के कश्मीर के अंदर लिए गए हैं। मैं मानता हूं कि देश की जनता में एक विश्वास जगा है, देश की सेना के जवानों के अंदर एक विश्वास जगा है, देश के पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों के अंदर एक कदमों से विश्वास जगा है कि मेरी सरकार, मेरे देश की सरकार सेना के जवानों के पीछे चट्टान की तरह खड़ी है और उनका मनोबल आज आकाश को छू रहा है। मैं आज कांग्रेस अध्यक्ष से ये भी मांग करता हूं कि आप श्री श्याम पित्रोड़ा के बयान के बारे में देश की जनता से माफी मांगिए, शहीदों के परिवार से माफी मांगिए और सेना के जवानों से माफी मांगिए, क्योंकि बयान से किनारा करने से कोई हल नहीं निकलते हैं। देश की जनता आपका किनारा करने की राजनीति को समझ चुकी है। कई ढेर सारे लोग जो बयान देने के लिए आपके इर्द गिर्द लेकर घूमते हो, उसको देश की जनता अच्छे से पहचान गई है। और मैं देश की जनता को आज भारतीय जनता पार्टी की ओर से और भारतीय जनता पार्टी की हमारी जो जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है, इसके लिए फिर से एक बार विश्वास दिलाना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ही इस देश को सुरक्षा दे सकती है, भारतीय जनता पार्टी ही आतंकवाद को मुंहतोड़ जवाब दे सकती है, भारतीय जनता पार्टी ही पाकिस्तान की साजिशों को नाकाम कर सकती है, इसका मुंहतोड़ जवाब दे सकती है और देश की सुरक्षा को सुनिश्चित कर सकती है और कूटनीतिक तरीके से पाकिस्तान को जिस तरह से अलग धलग दुनिया में करा है, इस दिशा में भारतीय जनता पार्टी की अलावे कोई नहीं ले जा सकता। और मैं फिर से एक बार कांग्रेस अध्यक्ष के सामने अपनी मांग रखना चाहता हूं कि आपने देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए, इसमें विलंब नहीं करना चाहिए। धन्यवाद। इस विषय पर अगर आपका कोई प्रश्न हो तो आपका स्वागत है। देवेंद्र प्राशर। मैं यही कहना चाहता हूं, मेरा कांग्रेस पार्टी से कांग्रेस स्कूल जो ये सो कॉल्ड गठबंधन बना है, एक पूरे गठबंधन के लिए ही मैं बात करता हूं। सारे लोग एक के बाद एक कांग्रेस की रणनीति के तहत ही ऑर्केस्ट्रेटेड तरीके से ये काम कर रहे हैं। विकास भदौरिया।
तो आपको बता दें कि जो पूरी बात प्रेस कॉन्फ्रेंस की निकलकर आई है वो ये कि अब कांग्रेस देश की जनता से माफी मांगे, क्योंकि कांग्रेस के नेता चुनाव से पहले जिस तरह से तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, अपनी बयानबाजी करते हैं, उससे न केवल सेना का मनोबल इस बार टूटा है, देश की जनता भी आहत हुई है। क्या देश से ज्यादा अब वोट बैंक हो गया है कांग्रेस के नेताओं के लिए? ये तमाम बातें अमित शाह ने कही और सीधे राहुल गांधी यानी कांग्रेस अध्यक्ष से ये कह दिया कि जल्द से जल्द अपनी पार्टी का स्टैंड क्लियर करें, यानी कि अब माफी मांगने में देरी ना करें, क्योंकि देश ऐसी बयानबाजी से बहुत आहत हुआ है। छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटेंगे।